हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका मेरे इस न्यू लेक्चर में। और आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे लिपिड प्रोफाइल टेस्ट को। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, लिपिड क्या होता है? ये जो फैट्स हैं, कोलेस्ट्रॉल है, फैटी एसिड्स हैं, फॉस्फोलिपिड्स हैं, ये सब लिपिड्स होते हैं। और हमारी बॉडी जो होती है वो लिपिड को खुद बनाती है। बॉडी में एक ऑर्गन है जिसका नाम है लीवर। लीवर जो है वो लिपिड्स को प्रोड्यूस करता है, और फिर ये लिपिड जो है ये ब्लड के थ्रू ट्रांसपोर्ट होकर बॉडी के वेरियस सेल्स में, जहाँ पे नीड है लिपिड्स की, वहाँ पे ये लिपिड्स डिलीवर होते हैं। ओके, तो अब लेकिन जो लिपिड्स होते हैं ये वाटर के साथ सॉल्युबल नहीं होते, बट ऑर्गेनिक सब्सटेंस जैसे कि एसीटोन, क्लोरोफॉर्म, इनके साथ ही सॉल्युबल होते हैं। बट पानी के साथ लिपिड जो है वो सॉल्युबल नहीं होता है। तो अब जब पानी के साथ सॉल्युबल नहीं होता है तो लिपिड कैसे फिर ब्लड में ट्रांसपोर्ट होता है, क्योंकि हमारा ब्लड भी पानी का ही बना होता है। तो ये लिपिड्स कैसे ट्रांसपोर्ट होते हैं? तो लिपिड्स को ब्लड में ट्रांसपोर्ट करने के लिए लाइपोप्रोटीन्स की ज़रूरत होती है। लाइपोप्रोटीन्स क्या होते हैं? लाइपोप्रोटीन्स जो होते हैं वो लिपिड और प्रोटीन का एक कॉम्बिनेशन होता है। लिपिड्स तो वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं, बट जो प्रोटीन है वो वाटर में सॉल्युबल होता है। तो आप इमेज में देख सकते हैं, ऐसे में प्रोटीन का एक शेल बन जाता है जिसमें सारे लिपिड्स जो होते हैं वो इस शेल के अंदर आ जाते हैं, जैसे कोलेस्ट्रॉल, फैटी एसिड्स, ट्राइग्लिसराइड्स, ये सब जो होते हैं शेल के अंदर आ जाते हैं। और क्योंकि बाहर का एरिया प्रोटीन होने की वजह से वाटर सॉल्युबल है, तो ये फिर ईजिली ब्लड में ट्रांसपोर्ट कर पाता है लिपिड को, और बॉडी में जहाँ पे भी लिपिड्स की नीड है वहाँ पे ये फिर ईजिली ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं। तो इन लाइपोप्रोटीन्स की वजह से ही जो लिपिड है वो हमारे बॉडी में ब्लड में ट्रांसपोर्ट होते हैं। तो देखिए, अब आपने पढ़ा होगा कि जो कोलेस्ट्रॉल है, जो फैट होता है, वो बैड होता है। तो अगर वो बैड होता है तो हमारी बॉडी उसे क्यों बनाती है? हमारी बॉडी इन फैट्स को, कोलेस्ट्रॉल को, लिपिड्स को इसलिए प्रोड्यूस करती है क्योंकि ये लिपिड्स जो होते हैं वो हमारी बॉडी में एक एसेंशियल रोल प्ले करते हैं। जैसे कि हार्मोन सिंथेसिस में कोलेस्ट्रॉल का जो है मेन रोल होता है। हार्मोन सिंथेसिस में एड्रेनल हार्मोन्स में जो कॉर्टिसोन और जो कॉर्टिसोल होते हैं वो कोलेस्ट्रॉल से ही बनते हैं। कॉर्टिसोन वो जो कि बॉडी में सोडियम पोटेशियम और वाटर की रेगुलेशन को बैलेंस करता है। कॉर्टिसोल वो जो कि स्ट्रेस से हमको रिलीव करता है। इसके अलावा जो सेक्स हार्मोन्स होते हैं जैसे कि टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन और ईस्ट्रोजन, इनका सिंथेसिस भी कोलेस्ट्रॉल की वजह से ही होता है। हमारी बॉडी में जो विटामिन डी होता है वो भी कोलेस्ट्रॉल से ही बनता है। हमारी बॉडी में जो सेल मेम्ब्रेन है उसका सिंथेसिस भी फैट और कोलेस्ट्रॉल की वजह से ही होता है, ठीक है। इसके अलावा जो बाइल एसिड्स और जो बाइल सॉल्ट्स हैं वो भी कोलेस्ट्रॉल से ही बनते हैं। इसके अलावा हमारी बॉडी में जो फैट्स, जो फैटी एसिड्स होते हैं वो एनर्जी के फॉर्म में भी स्टोर हो जाते हैं ताकि ड्यूरिंग स्टार्वेशन हमें एनर्जी मिल सके। तो अब जब ये कोलेस्ट्रॉल इतना एसेंशियल रोल प्ले करते हैं हमारी बॉडी में, तो वाई इट इज़ बैड? देखिए, टू मच ऑफ एनी गुड थिंग इज़ बैड फॉर अस। हमारी बॉडी लिपिड्स को उतना ही प्रोड्यूस करती है जितनी हमारे बॉडी को नीड है। बट अगर हम अपनी डाइट में ऐसे फूड जो है वो इनटेक कर रहे हैं जिसमें फैट, कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा है, तो ऐसे में क्या होगा कि वो जो कोलेस्ट्रॉल है वो हमारी बॉडी में बिल्डअप होने लगेगा। मेनली जो हमारी आर्टरीज होती है, जो ब्लड वेसल्स होती हैं, उसकी इनर वॉल पे जाके चिपक जाएगा, क्योंकि ये एक वैक्सी सब्सटेंस होता है। तो जब धीरे धीरे ये कोलेस्ट्रॉल ब्लड वेसल्स में डिपॉजिट होने लगेगा तो एक प्लाक का फॉर्मेशन कर देगा, जिसकी वजह से जो ब्लड है वो उसका फ्लो जो है स्टॉप हो जाएगा। और फिर ऐसे कंडीशन को हम बोलते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस, ठीक है। तो ऐसे में क्या होगा कि इस कंडीशन में हार्ट डिजीज़ और स्ट्रोक का खतरा बहुत ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि जो कोलेस्ट्रॉल होता है वो कभी मेटाबोलाइज नहीं होता। या तो वो बॉडी में ही रहेगा और या फिर वो कोलेस्ट्रॉल जो है वो लीवर के थ्रू बॉडी से एक्सक्रीट होगा। तो अगर फैट का, कोलेस्ट्रॉल का इनपुट और आउटपुट सेम है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर बहुत ज़्यादा हम इनटेक कर रहे हैं तो फिर कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ और स्ट्रोक का खतरा बहुत बढ़ जाता है। तो लिपिड प्रोफाइल टेस्ट हम इसलिए करते हैं ये मेजर करने के लिए कि हमारे ब्लड में कितना लिपिड, कितना कोलेस्ट्रॉल जो है वो प्रेजेंट है। लिपिड प्रोफाइल टेस्ट में जो कंपोनेंट्स आते हैं वो है टोटल कोलेस्ट्रॉल, एलडीएल, एसडीएल, वीएलडीएल और ट्राइग्लिसराइड। और इन कंपोनेंट्स को हम वन बाय वन कवर करेंगे। सबसे पहले शुरू करते हैं टोटल कोलेस्ट्रॉल से। टोटल कोलेस्ट्रॉल, देखिए मैंने आपको बताया कि जो कोलेस्ट्रॉल है वो लीवर में प्रोड्यूस होता है।
इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल जो है वो एनिमल फूड में भी प्रेजेंट होता है। कोलेस्ट्रॉल का मैंने आपको फंक्शन अभी बताया था, कोलेस्ट्रॉल का बहुत एसेंशियल फंक्शन होता है हमारी बॉडी में, हार्मोन सिंथेसिस में, विटामिन डी जो है वो भी कोलेस्ट्रॉल से ही बनता है, सेल मेम्ब्रेन की सिंथेसिस में, बाइल एसिड्स और बाइल सॉल्ट्स जो है वो भी कोलेस्ट्रॉल से ही बनता है। बट अगर हम कुछ ऐसे फूड्स जो हैं वो इंटेक करें जिसमें कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा प्रेजेंट है, जैसे कि एनिमल फूड, तो ऐसे में ये कोलेस्ट्रॉल क्या होगा, हमारी बॉडी में, हमारे ब्लड वेसल्स में डिपॉजिट होने लगेगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि जो ब्लड का फ्लो है वो रुक जाएगा, ओके? और ऐसे में फिर स्ट्रोक और कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ का रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो अगर किसी के ब्लड में कोलेस्ट्रॉल ये एबनॉर्मल कंसीडर किया जाता है, LDL को कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला है वो है टोटल कोलेस्ट्रॉल माइनस HDL माइनस VLDL, या फिर टोटल कोलेस्ट्रॉल माइनस HDL माइनस TG डिवाइडेड बाय 5। थर्ड जो कंपोनेंट है लिपिड प्रोफाइल में वो है हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, और HDL की जो डेंसिटी होती है वो 1.090 ग्राम पर ml होती है। HDL का मेन फंक्शन क्या होता है कि जो भी कोलेस्ट्रॉल LDL ने ब्लड वेसल्स में डिपॉजिट किया था उसको HDL मॉलिक्यूल जो होता है ब्लड वेसल से कोलेस्ट्रॉल को कलेक्ट करके वापस से लीवर में ले जाके डिलीवर करता है। HDL के पास एक एंजाइम एक्टिविटी होती है जिसको बोलते हैं LCAT एक्टिविटी, लेसिथिन कोलेस्ट्रॉल असाइल ट्रांसफरेज, और इस एंजाइम की हेल्प से ही HDL मॉलिक्यूल जो है वो ब्लड वेसल्स में डिपॉजिट कोलेस्ट्रॉल को कलेक्ट करके वापस से लीवर में ले जाके डिलीवर करता है, और फिर लीवर उसको फिर बॉडी से एक्सक्रीट करता है। तो इसीलिए हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन को हम गुड कोलेस्ट्रॉल भी बोलते हैं। तो अगर किसी के ब्लड में HDL का लेवल बहुत ज़्यादा है तो फिर लो रिस्क होता है हार्ट डिजीज़ और स्ट्रोक का। ब्लड में नॉर्मल HDL का जो लेवल है वो मोर देन 50 mg पर डेसीलीटर होना चाहिए, और HDL को कैलकुलेट करने का कोई फॉर्मूला नहीं होता, HDL को हम डायरेक्ट एस्टिमेट करते हैं। फोर्थ जो कंपोनेंट है लिपिड प्रोफाइल में वो है VLDL, वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, क्योंकि इसकी डेंसिटी बहुत लो होती है 1.006 ग्राम पर ml। VLDL भी एक तरीके का ब्लड फैट होता है, VLDL भी लीवर से ही सिंथेसाइज होता है। इसका फंक्शन क्या होता है, जो VLDL है वो ट्राइग्लिसराइड को क्या करता है, बॉडी के वेरियस सेल्स में ले जाके डिलीवर करता है। VLDL और LDL दोनों ही बैड कोलेस्ट्रॉल ही होते हैं, बट जो LDL होता है वो कोलेस्ट्रॉल को कैरी करता है, और जो VLDL होता है वो मेनली ट्राइग्लिसराइड्स को कैरी करता है। बॉडी में VLDL का जो नॉर्मल लेवल होना चाहिए वो 2-30 mg पर डेसीलीटर होना चाहिए। VLDL को कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला होता है वो TG डिवाइडेड बाय 5 होता है। लिपिड प्रोफाइल में जो फिफ्थ कॉम्पोनेंट है वो है ट्राइग्लिसराइड्स। ट्राइग्लिसराइड्स को हम ट्राइएसाइलग्लिसरॉल भी बोलते हैं, और मोस्टली ट्राइग्लिसराइड्स जो होता है वो ऑयली फूड में ज़्यादा प्रेजेंट होता है। ट्राइग्लिसराइड्स का मेन फंक्शन क्या होता है, ट्राइग्लिसराइड्स जो होते हैं वो फैटी एसिड्स के फॉर्म में बॉडी में स्टोर हो जाते हैं, और फिर इन्हीं फैटी एसिड्स को हम एनर्जी के फॉर्म में हम यूज़ कर सकते हैं ड्यूरिंग स्टार्वेशन। ब्लड में ट्राइग्लिसराइड्स का जो लेवल है वो लेस देन 150 mg पर डेसीलीटर होना चाहिए, अगर इससे अबव है तो फिर पेशेंट को कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ का खतरा बहुत ज़्यादा बन जाता है, ओके? ट्राइग्लिसराइड्स को कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला होता है वो VLDL इनटू 5 होता है, ओके? तो फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में हमने लिपिड प्रोफाइल को कवर किया है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो मेरी वीडियो को प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।